अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अमीर रंग के साथ आपका मेज़बान नादर पिता भी एक बार फिर से हाजिर खिदमत है। आज हम मौजूद हैं क्वेटा कारी प्याला होटल पे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि इनका जो खाना है, इनका जो टेस्ट है वो कितना अच्छा है और यहाँ पर लोगों का हुजूम क्यों रहता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, ये इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये इस होटल के बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हम्माद अवान। हम्माद अवान साहब, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ बीबीए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस होटल, ये जो क्वेटा कारी प्याला होटल है, तो इस पे आप मतलब कब कब आते हैं? इस पे हम तकरीबन रात खाने के बाद डेली आते हैं, 3-4 दोस्त हैं, पहले हम आते हैं, फिर बाद में यहीं पे बैठ के हमारी गपशप होती है, चाय शाय चलती है, खाना शाना जो होता है, पराठे हो गए, यहाँ के आलू के पराठे बड़े मशहूर हैं, सुबह टाइम चने बड़े मशहूर हैं, लस्सी है, चाय तो यहाँ के हर टाइम, फिर ऑल टाइम फेवरेट हमारी तो चाय चलती है बस हमारी यहाँ पे बैठ। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फेमस चीज है, या ये कह लेंगे आपकी फेवरेट चीज, क्योंकि हर जगह पर एक चीज ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा फेवरेट होती है, तो मोस्ट फेवरेट थिंग क्या है वो? यहाँ पे चाय है और खाने में आलू के पराठे। इनकी चाय की क्या खासियत है? इनकी चाय की खासियत ये है कि दूसरी जो आम लोग चाय है ना, उनसे जरा हटके होती है, क्योंकि ये पठान है तो फिर इसमें टच भी जरा पठानों वाला है, इलायची शिलायची हर चीज डली होती है इसमें, तो इस वजह से ये फेवरेट हमारी, वरना अदरवाइज दूध की बोतल भी अच्छी है इनकी, हाँ खीर भी अच्छी है इनकी, गजरेला भी इनका अभी सर्दियों में रखते हैं तो ये भी हमने टेस्ट किया, बहुत अच्छा है, लेकिन अदरवाइज चाय होगी और पराठे हो गए, ये हमारे चलते हैं। पराठे में कौन सा पराठा ज्यादा आपको फेवरेट, जो आपको जो फेवरेट हो? आलू वाला पराठा इनका बेस्ट है। और बाकी इनके पराठे वो? हाँ सादा पराठा भी इनका बहुत अच्छा है और अंडे वाला पराठा भी इनका आला है। चिकन पराठा नहीं आज तक हमने टेस्ट किया, हाँ वरना वो भी दोस्तों ने खाया, अच्छा है वो भी। बस इसके अलावा लस्सी होती है इनके पास, वो भी अच्छी है बस, और 5-6 आइटम इनके, मलाई वाला बन भी इनका बहुत फेमस है, यहाँ पे लोग चाय के साथ मलाई वाला बन अक्सर ही खाते हैं। नहीं ये तो नहीं है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इस कस्टमर के व्यूज सुने, तो इनका कहना था कि ये जो होटल है, यहाँ पर हम डेली शाम को आते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ, यहाँ पर अगर हम अपना टाइम भी स्पेंड करते हैं, गपशप भी करते हैं, यहाँ पर हम स्पेशली जो इनकी चाय है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब यहाँ पर दूसरे कस्टमर से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद है, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं ये इस क्वेटा कारी प्याला टी स्टॉल के हवाले से क्या व्यूज़ रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर ऐसा है कि जैसा कि मौसम भी बहुत खुशगवार है और यहाँ पे हम आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरटेनमेंट के लिए, और यहाँ पे हम बिजनेस आइडियाज भी डिस्कस करते हैं और एक इंटरटेनमेंट भी हो जाती है, बाकी इनकी प्रोडक्ट भी अच्छी है, क्वालिटी बेहतरीन होती है, तो फ्रेंड्स के साथ एक इंटरटेनमेंट भी हो जाती है, गपशप भी, और कुछ बिजनेस आइडियाज भी डिस्कस हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं अक्सर और बड़ा अच्छा यहाँ पे हमारा रहता है। चलें, बिजनेस आइडियाज तो आप डिस्कस करते हैं, कोई बिजनेस आइडिया हमें भी दे दें। सर देखें, आपको वो काम करना चाहिए जो आपको, जिस काम में दिल लगता हो, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, वो काम जिसको आप एंजॉय कर सकें वो काम आप करें। मैं तो हर काम को एंजॉय करता हूं, तो मुझे पता है मुझे क्या काम करना चाहिए। आप इंटरटेनमेंट किया करें, तो आप हर काम एंजॉय करते हैं, आप तो फिर आर्टिस्ट हैं, तो फिर आप एंजॉय करें इस काम को, इसी फन को, जिस फील्ड में आप हैं। चले आप मुझे ये बताएं कि इसकी कोई फेमस, इस होटल की चीज जो आप डेली मतलब लाइफ में रूटीन में पसंद करते हो। सर देखें, इनकी फेमस जो प्रोडक्ट है वो तो है इनकी चाय, चाय इनकी जो है वो फेमस है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और यहाँ कोई कंप्लेंट भी ऐसी नहीं है, तो फेमस तो यही है, बाकी सारी चीज़ें एडिशनल हैं। इनका बंद भी है यहाँ पे, मलाई वाला वो भी मशहूर है, उसके अलावा खीर है और इनकी दूध वाली बोतलें भी मशहूर हैं, तो एक बेसिकली बहाना होता है यहाँ पे आने का, चाय के बहाने, फिर हम यहाँ पे कुछ गपशप भी कर लेते हैं और उससे लुत्फानंदोज होते हैं। इनकी चाय की क्या खासियत है? मैंने जिससे भी पूछा है कि इनकी चाय ऐसी क्या खासियत है इनकी चाय में? सर इनकी चाय में एक नशा है, मतलब इनकी चाय का टेस्ट अच्छा होता है और बाकी तो सब ठीक है, इसके अलावा तो नॉर्मल है। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने सुना, तो इनका कहना था कि इस होटल की जो मशहूर चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो है चाय, और चाय तो एक बहाना ही होता है, बेसिकली हमारा मकसद है दोस्तों से मिलना, उनसे गपशप करना, तो चाय सिर्फ एक बहाना ही है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, आइए हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये इस होटल के बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, मैं ठीक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त।
माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये जो कारी क्वेटा प्याला टी स्टॉल है, तो इस हवाले से आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या फेमस चीज़ है जो आप लोग यहाँ पर लोगों का आपको एक रश दिखने को। जैसे इनके नाम से है टी स्टॉल है, तो इनकी चाय ज़बरदस्त है, और हम जो सर्विस वाले लड़के हैं, जो हम पूरा दिन काम करके बैंक में जॉब करके पूरा दिन जो हम कस्टमर के साथ टेंशन होके अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करके रात को रिलैक्स होने के लिए अपने दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए, ताकि पूरे दिन को हम का टाइम जो हमने स्पेंड किया उसमें रिफ्रेश हो सकें, और इसीलिए बैठते हैं गपशप करते हैं, बाकी इनकी चाय पर चाय साथ इंजॉय करते हैं, और सर्दी का मौसम है उसमें चाय का लुत्फ कुछ और ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इनके पास आते हैं और कुछ खान। मतलब इनकी जो चाय है उसमें ऐसी क्या खास बात है कि हर बंदा चाय का ही नाम ले रहा है? इस मौसम में चाय है ऐसे कि आपको पूरे दिन की थकावट उतार देती है। वो तो ठीक है, मुल्तान में और भी तो बहुत से टी स्टॉल हैं, इस एरिया में भी बहुत से टी स्टॉल हैं, लेकिन ये जो होटल है इसमें एक रश क्यों नजर आता है हमें? इसमें रश, आप रश तो इनके ना जायके, और इनकी जो सफाई है वो जबरदस्त है, इनके बर्तन साफ है, और इनके जो दूध है वो भी अच्छा है, फिर स्पेशल इनकी जो आप कह सकते हैं कि चाय का मजा ही अलग है, कुछ आप बयान नहीं कर सकते। इनका मजा क्यों अलग है, मतलब ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इनकी चाय का मजा ही अलग हो जाता है? वो आप इनकी दिल लगी कह सकते हैं, चाय में दिल लगी, मेहनत और जो जायका है वो आप बनाने वाले के हाथ में होता है, हर किसी का अपना एक जायका है, पर इनका कारी वालों का प्रोडक्ट चाय के साथ जो इनकी खीर है परी वो बेहतरीन है, खालिस दूध की है परी, और सफाई अच्छी है बेहतरीन है, गपशप का पॉइंट इनका अच्छा है, पर आप दोस्तों के साथ बैठ के हम अच्छे से बातें कर सकते हैं, सर्विस इनकी अच्छी है माशाल्लाह बेहतरीन है, आप भी आया करेंगे साथ इंजॉय किया करेंगे हमारे साथ ज़रूर। अच्छा मुझे बताएंगे चाय के अलावा इनके कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतरीन है? जो मैंने टेस्ट किए हैं वो इनकी खीर है परी, और साथ में ये दूध है, ये तो गर्मियों में ज़बरदस्त इनकी दूध वाली बोतल मशहूर है, वो आप ले सकते हैं पूरे दिन की थकावट उतार सकते हैं, बाकी इनका बंद है नाश्ते के लिए, और पराठे वगैरह हैं पर नाश्ते के लिए, नाश्ता भी इनका बहुत ज़बरदस्त है, वो मैंने भी इंजॉय किया है और आप भी करें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना तो इस शायरी का कहना था कि इनकी जो चाय है उसकी तो एक बात ही अलग है, उसके साथ साथ यहाँ पर दूध वाली बोतलें, यहाँ पर इनके जो पराठे हैं नाश्ते के हवाले से वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, तो यहाँ पर इनका कहना हम लोगों को कहेंगे वो यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद हैं, आइए इनसे भी गुफ्तगु करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस होटल के हवाले से इनके क्या व्यूज़ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद असीब। असीब जी। अच्छा असीब साहब, आप मुझे ये बताएं, ये जो क्वेटा कारी प्याला टी स्टॉल है, इसकी जो चाय है इसकी क्या खासियत है जो लोग यहाँ पर इतना लोगों का एक हजूम होता है इसकी चाय पीने के लिए, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से सर, इनकी जो चाय का टेस्ट है ना ये बहुत अच्छा, इस तरह की मुल्तान में कभी नहीं बेचा है जो पठानों की चाय के अंदर टेस्ट है। अब ये नहीं पता ये इसके अंदर मिलाते क्या है चाय में, जो इससे थकावट सारी दूर हो जाती है, कि बंदा काम करके आता है सारा दिन थका हुआ, चाय पिए और फ्रेश हो जाता है। उसके बाद इनका जो परांठे हैं आलू वाले, ये भी माशाल्लाह जायका सही है इनका, और रेट भी मुनासिब है। ये तो अब चीनी महंगी हुई है, दूध महंगा हुआ, इसलिए इन्होंने 40 का कर दिया, पहले 30-35 का थे। तो इनकी चाय में बेसिकली आपकी नज़र में क्या खासियत है जो लोग इसकी चाय को इतना ज्यादा पसंद करते हैं? अब ये तो हमें भी नहीं पता क्या खासियत है इसके अंदर। चाय के अलावा इनका कौन सा प्रोडक्ट आप ज्यादा यूज करते हैं? ज्यादा तो चाय करते हैं, चाय खाना रात को। चाय के अलावा कुछ? सिर्फ चाय और आलू वाले परांठे या साथ सादा परांठा हो गया। जब इनके रेगुलर कस्टमर है, डेली आते हैं? जी जी, रोजाना आते हैं। कब से आ रहे हैं आप? ये हमें हो गया कोई 2 साल हो गया। हमारे पीछे चिकन की दुकान भी है, रात को काम शुरू करते हैं, 4 बजे भी चाय पीते हैं इनसे सुबह, फिर उसके बाद दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी 1-2 बजे चाय पीते हैं। जब कहीं चले गए घूमने फिरने, रात को आए तो यहाँ से चाय पी के घर जाते हैं। मतलब डेली इनकी चाय पीना आपके डेली शेड्यूल में शामिल है? हाँ जी, रोजाना। लेकिन क्या वजह है कि इतनी चाय, आप इनकी चाय को इतना पसंद करते हैं? बस ये है कि फ्रेश हो जाता बंदा पी के ना। मुल्तान में और भी तो इसी तरह की कई होटल हैं पठानों के, जो इसी क्वेटा के नाम से ही मंसूब हैं, तो मतलब इनमें और उनमें क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? ये सब क्वेटा के जितने भी हैं ना, एक कैंट के अंदर है वो उधर लाल कुर्ती में, उसका भी जायका सेम ही है इन दोनों होटलों का, बाकी और क्वेटा वाले से हमने पी नहीं है, सिर्फ इन दो पे आते हैं। तो आप इसको प्रेफर क्यों करते हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि दोनों का टेस्ट सेम है? भाई ये ज़रा नज़दीक है, ये थोड़ा नज़दीक है, वो थोड़ा दूर हो जाता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना तो
इन जो कस्टमर थे इनका कहना था कि यहाँ की जो चाय है उसका एक अलग ही मज़ा है, उसका जो टेस्ट है वो सबसे अच्छा है, मुल्तान में मैंने ऐसी चाय कभी नहीं पी। हाँ, लेकिन इनकी एक और ब्रांच है जो कि लाल कुर्ती में या कैंट में, तो वहाँ से इनकी चाय पीते हैं, और ज़्यादातर हम क्योंकि हमें नज़दीक पड़ते हैं हम यहाँ पर ही चाय पीते हैं। तब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए। कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैन अल-अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPAC के संगम पर वाके, पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा, 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल, सिंगल एट्रियम डेलाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेस, दिलकश दीदा जेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस, बैन अल-अक़वामी मायार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से बकिया 4 साल की महाना आसान अफसार। कॉन्टैक्ट 0333777700। मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद, अ प्रोजेक्ट ऑफ J7 ग्रुप। J7 इंपोरियम, अ स्मार्ट चॉइस। डीजी खान में जो तरक्याती काम हमने देखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? तलार उस्मान खान ने इक्तदार में आके पूरे पंजाब और स्पेशली राजनपुर डीजी खान को फोकस किया। BMP के साथ मिलके हमने एक ऑपरेशन भी किया और कुछ और भी हमें इंटेलिजेंस भी वहाँ से मिली है, इंशाल्लाह उस पे काम जारी है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान पुल डॉट के ऊपर। पेट्रोलिंग भी की जा रही है, बैलेंस सुबाई चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर चेकिंग मजीद मुअसर की जा रही है। डीजी खान में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, कार्डियोलॉजी को विजिट किया होगा, हमारा मदर एंड चाइल्ड है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो एन न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ पे अपना स्टूडियो डीजी खान में बनाया। वेलकम बैक नाजरीन। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि क्वेटा कारी प्याला होटल जो है उस हवाले से इनके क्या व्यूज हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कासिम। कासिम भाई, आप मुझे ये बताएं कि जो क्वेटा कारी प्याला होटल है, इसकी जो चाय है इसमें क्या खासियत है कि ये इतना ज्यादा मशहूर है और यहाँ पर लोगों का एक हजूम रहता है? चाय माशाल्लाह बहुत प्यारी है और हम इधर ही आते हैं चाय पीने के लिए, दोस्त भी साथ आते हैं
ये हमारी रोज़ की रूटीन बनी हुई है, हम यहीं चाय पीते हैं। और माशाल्लाह चाय इनका जायका बहुत प्यारा है, इनका अच्छा जायका है। मुल्तान में और भी बहुत से टी स्टॉल्स हैं, लेकिन आप इसी को क्यों प्रेफर करते हैं? नहीं नहीं, बस जायका इनका अच्छा है ना, पहले भी एक जगह जाते थे वहाँ जायका हमें अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हम यहीं आते हैं। खान साहब का जायका सही है। चलिए, इस चाय के अलावा यहाँ पर और कौन सी चीज़ मशहूर है जो आप मतलब पसंद करते हो, क्योंकि आप तो यहाँ के रेगुलर कस्टमर है ना, तो चाय के अलावा कोई और चीज़ भी तो टेस्ट करते होंगे कभी कर ली हो? आलू वाले पराठे भी हैं यहाँ पर, और गजरेला भी है, सोनालवा भी है, हर चीज़ यहाँ मौजूद है, यानी कि सर्दी के लिहाज से सही है यहाँ पर। जी नाजरीन, जैसा कि हमने सुना तो इनका कहना था कि यहाँ पर जो चाय है वो बहुत ज़्यादा इनकी टेस्टी होती है। हमने और भी बहुत सी जगहों पर चाय टेस्ट किया, इनका कहना था, लेकिन इनकी जो चाय का टेस्ट है खान साहब का वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा इनका गजरेला हो गया है, इनकी जो आलू वाले पराठे हो गए वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और हमें ये चीज़ इनकी पसंद आई। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद है, ये इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये जो क्वेटा कारी टी स्टॉल है इसके हवाले से इनका मतलब क्या रद्द मिला है, इस वजह से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अब्दुल मलिक। मलिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो क्वेटा कारी टी स्टॉल है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इनकी चाय कैसी है और इनके बाकी जो आइटम्स हैं वो कैसे हैं? सर, चाय तो इनकी बेहतरीन है, जिसे कह सकते हैं ना चाय बेहतरीन, मतलब इनका चाय बनाने का प्रोसीजर सारा मतलब ट्रांसपेरेंट है, सामने आपको सब कुछ नज़र आता है और इजी है, और बेहतरीन चाय है। मतलब जायका, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्जाम है, और मैं जो है ना, अगर मैं थोड़ा सा लेट नाइट तक अगर पढ़ता हूँ तो मैं इनकी चाय पी लेता हूँ भाजन, रात ईजी गुजरती है, पढ़ाई मतलब दिमाग चलता है, सीधी सी बात है, यही है बेहतरीन। अब ये मेरे साथ दोस्त बैठे हैं मेरे, ये जो है ना गिलगित से स्पेशल यहाँ पे चाय पीने आए हैं। गिलगित से स्पेशल यहाँ पे चाय? जी, रोजाना कॉल पे इनको तारीफें करते होंगे कि यार ये चाय, ये चाय, ये। हाँ जी, हम यहाँ पे आते हैं, हम स्नैप्स या तस्वीरें वगैरह भेजते हैं, तो इनका भी ना दिल करता है कि यार इस तरह की कोई ढाबा टाइप जगह हो जहाँ पे बंदा बैठ के अपने दोस्तों के साथ फुल गपशप मारे, यार ये इस तरह का पॉइंट है जहाँ पे बंदा जो है ना अपने दोस्तों के साथ गपशप मार सकता है, बेहतरीन। मतलब इस तरह की जगह और होनी चाहिए, मतलब अच्छा सस्ता माल जिसे कह सकते हैं ना वो यहाँ से मिलेगा। चले, इनकी चाय में ऐसी क्या खासियत है कि मतलब आपको इतनी इनकी चाय पसंद आ गई है? चाय भी इनकी अच्छी है, और जो यहाँ पे माहौल है, दोस्त मिल बैठ के जो है ना चाय पीते हैं, अपने खुशी गम बांटते हैं, और दूसरा ये कि इनकी चाय मतलब एक उसका अलग ही जायका है, कोई ये नहीं कह सकते कि एडिक्टिव चाय है, इनकी चाय का मतलब जायका ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसी वजह से जो है ना बंदा ये कोशिश करता है कि यार अगर हम कहीं और इधर उधर कोई कैंट का कोई चक्कर लग रहा है, हम एसपी चौक वाली ब्रांच पे ही आते हैं, मतलब ये है इसमें। ये चाय के अलावा इनका फूड में मतलब कोई ऐसा आइटम जो बहुत ज्यादा अच्छा हो? इनकी लस्सी भी काफी अच्छी है, मीठी लस्सी अगर आप ट्राई करें, इनकी काफी अच्छी है। और दिन के वक्त तो इनका जो चने और नाश्ता है ना, चने और पराठे, वो इनका बहुत जबरदस्त है, मतलब गरम उसी टाइम चने मिलते हैं और ताजा पराठा होता है, बेहतरीन। इसके अलावा मतलब यहाँ पे और क्या क्या आइटम मौजूद है इनके पास? खीर, दूध वाली बोतल, गाजर का हलवा, सब कुछ है इनके पास, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स इनके पास सारे हैं, मतलब दूध से बनी हुई सारी चीजें हैं। चाय, मलाई वाला बन इनके मतलब एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये है। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने सुना तो इस कस्टमर अब्दुल मलिक का कहना था कि यहाँ पर जो इनकी चाय है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत फेमस चाय है इनकी। इसके साथ इनका कहना था कि इनके जो मतलब मलाई वाली मलाई हो गई, और इसके अलावा इनका जो दूध वाली बोतल हो गई, इसी तरह से इनका मलाई वाला जो बन है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनके जो नाश्ते के लिए जो इनका पराठा और चने होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये जो क्वेटा कारी प्याला टी स्टॉल है इस हवाले से इनके क्या व्यूज़ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जहाँजेब। जहाँजेब साहब, आप मुझे ये बताएं ये जो क्वेटा कारी टी स्टॉल है इसमें क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों का एक रश नज़र आता है? जी देखिए, असल में बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल है, ढाबे का ढाबा सिस्टम है, और चाय भी बहुत अच्छी होती है इनकी, सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। हम आते हैं, बैठते हैं यहाँ पे, रात के टाइम आते हैं, दिन के टाइम आते हैं, सुबह टाइम आते हैं, हर वक्त यहाँ पे चाय दस्तयाब होती है। उसके साथ साथ आपको पराठे मिल जाते हैं, मलाई वाला बन मिल जाता है, मतलब और भी सहूलियात बहुत अच्छी हैं, इसीलिए हम अक्सर यहाँ पे आते हैं और दोस्तों के साथ मिल बैठ के यहाँ पे चाय पीते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है वो कौन सा? यहाँ पे मेन तो क्वेटा कारी प्याला टी स्टॉल है, ये असल में चाय बहुत ज़्यादा मशहूर है इनकी,
और उसके साथ साथ पराठे भी बहुत ज़्यादा चलते हैं इनके। तो ये चीज़ें इनकी खातिर हम आते हैं अक्सर यहाँ पे। हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपने हॉस्टल से रात के टाइम निकलते हैं तो, या सुबह टाइम निकलते हैं नाश्ता करने निकलते हैं, तो अक्सर हम यहाँ पे आते हैं और चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। अच्छा, इनकी चाय में ऐसी क्या खासियत है कि लोग यहाँ पर चाय पीने दूर दूर से भी आए हुए होते हैं? असल में बात यह है, इनकी चाय, एक तो ये इनकी सर्विस अच्छी है, दूसरा इनकी चाय बहुत कड़क होती है, मतलब पी के पता चलता है कि हम चाय पी रहे हैं। कोई शायद दूध का कोई असर है या बनाने के तरीके में फ़र्क है, तो असल में बात यह है कि चाय बहुत स्पेशल है इनकी, तो इसलिए हम तो आदी हैं, इसके नशा लग गया है जैसे, हम तो पीते रहते हैं अक्सर इसीलिए। हाँ जी, आपने बताया कि आप हॉस्टल में रहते हैं, तो मतलब आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं BDS कर रहा हूँ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से, हम यहाँ करीब से ही, तो उधर से ही हम आते रहते हैं बाइक पे अक्सर यहाँ पे, सुबह टाइम या शाम टाइम, रात टाइम निकल गया किसी टाइम, अक्सर हम दोस्तों के साथ गपशप करने या मिल बैठने आते रहते हैं। मतलब आप यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं? हाँ, ऐसे ही समझ लें, हफ्ते में 4-5 दफ़ा तो लाजमी आना जाना हमारा रहता है, कभी कभी मतलब नहीं आते, बस ये है कि अक्सर ही चाय पीने अगर बाहर निकलें तो यही वह जगह है जिसका हम पहले सोचते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि उन्होंने सुना, तो इनका कहना था कि मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज में होता हूँ, तो वहाँ से हम स्पेशल हफ्ते में 3-4 दिन जब भी हम चाय पीने का सोचते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इनकी जो चाय है उसका टेस्ट ही अलग है, इनकी चाय बहुत ही कड़क होती है और इनकी जो सर्विस है वो भी जबरदस्त है। जी नाजरीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं ये जो क्वेटा होटल है, इसके जो मालिक हैं अब्दुल बारी तरीन साहब, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस होटल में ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों के हुजूम नजर आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ऐसे जनाब, बहुत दूर दूर के लोग आता है, यहाँ से हुसैना गए हो गया, कांटागर हो गया, गुलगश हो गया, जो भी लोग मुल्तान आते हैं पहले इधर स्टॉप करके जाते हैं, क्योंकि और तो खासियत ये है कि हम तो दूध खाने वाले से लेकर आते हैं स्पेशल, हमारे पास दूध स्पेशल होता है, फिर उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा मियार अच्छा रखता है, फिर हमारा पति जो है बहुत कराची से आता है, स्पेशल पति होता है, तो फिर यहाँ के लोग का मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, प्यार देते हैं। मैंने बहुत जगह कारोबार किया हुआ है, बालपुर किया हुआ है, जामपुर किया हुआ है, डीजे खान कराची, 7-8 होटल पर कारोबार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, कैंट के लोग हो गया और बाहर के लोग हो गया, प्यार मोहब्बत से और अच्छे से यानी कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से इखलाक से खान साहब बुलाते हैं, इस प्यार की वजह से और हम अल्हम्दुलिल्लाह मियार की वजह से अपना बहुत कामयाब है। हम इधर आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त बिल्कुल हालात ख़राब थे हमारे, तो मैंने पहले जब कारोबार शुरू किया था तकरीबन 22 महीने मुझे लगा था कारोबार को बिजनेस में कामयाब करने में, तो मेरे साथ बड़े भाई भी थे, अब्दुल समद खान नाम है उसका, वो भी शादीशुदा वाला है, वो भी बगैर बच्चों को उसने 18 महीने तक मेरे साथ लगा किया था इस कारोबार पे, तब अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की हो गया और मियार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा है, तो यहाँ के लोगों का प्यार मोहब्बत इखलाक बहुत काफ़ी ज़्यादा है। हम खुद ये कोशिश करते हैं, पहले हम जो चीज़ बनाते हैं, चाय हो गया, पराठे हो गया, खीर हो गया, दूध वाला का बहुत, फिर हम चेक करते हैं, मुझे पसंद आए तो ठीक है मैं सील करता हूँ। मैंने जब खीर स्टार्ट किया 4-5 दिन मैंने सेट पे कर दिया था नुकसान करके, मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा तो कस्टमर के लिए भी जो है ना अच्छा नहीं है, 2 दिन हो गया अच्छा लगा तो इसलिए अभी सेल करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चाय के अलावा यहाँ पर और कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा फेमस हो, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएंगे कि लोग कह रहे हैं आपकी जो चाय है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो आप चाय में ऐसा क्या चीज मिलाते हैं जो आपकी चाय सब चाय से मुनफरिद है? असल सबसे पहले तो हम उसके अंदर अपना प्यार डालते हैं, जो हमारा प्यार है, जो लोगों का प्यार है, फिर उसके बाद जो है ना हमारा जो दूध है, यहाँ पे कैंट में दूध बहुत कम मिलते हैं अच्छा, हम बाहर से दूध लेकर आते हैं, और हमारा पति जो है उसमें इलायची माची डाल के तो प्यार मुँह पर डाल के अच्छा अच्छे बनाते हैं, हमारा चाय यहाँ पे बहुत फेमस है, हमारा चाय जो है ना वो मशहूर है। चाय के अलावा और कौन सी चीज जो यहाँ पे ज्यादा लोग पसंद करते हो? यार वो ऐसे आलू वाला पराठा हो गया, अंडे वाला हो गया, सादा पराठा हो गया, असल अंडे वाला को बार मम्मी डैडी लोग वाला जो है इसको सैंडविच कहते हैं, सैंडविच पराठा हो गया, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ता हो गया मैंने दूध वाला बोतल खीर भी स्टार्ट किया हुआ है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा, इससे पहले सर्दियों में मैंने गाजर का हलवा भी शुरू किया था, वो भी माशाल्लाह बड़ा चला था 20-30-25 किलो, और मलाई वाला ब्रेड जो है ना ये चीजें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से काफ़ी लोगों से दोस्ती भी हुआ है, डॉक्टर लोग हो गया, वकील लोग हो गया, टाइम पास, मैं खुद यहाँ से हमेशा, मेरे जो माँ बाप है वो सब पीछे रहते हैं, मैं यहाँ से 18 महीने 16 महीने 20
मायने दो साल भी लगा लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे टाइम पास बहुत होता है और कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। गर्मी है सर्दियों में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार माशाल्लाह सही है। अच्छा, जो आपने पराठे बताए हैं उनमें जो सबसे ज्यादा रनिंग जो मतलब जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं वो कौन सा पराठा है और उसकी खासियत क्या है कि लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं? वो पराठा जो है आलू वाला है, उसमें थोड़ा सा चटपटे होता है, वो मसाला मैं स्पेशल कराची से बल्दिया टोन में उधर एक मसाले वाला है उधर से मंगवाता हूँ, तो वो लोग यहाँ ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें मजा एक टेस्ट अलग चीज़ का है, तो वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं इधर। बाकी जो है आंटे वाला भी माशाल्लाह इधर सही चलता है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बस ये आटा माशाल्लाह बहुत चल पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वो कोशिश करो मुल्तान में और ब्रांचें बनाऊँ, तो यहाँ लोगों का अगर दुआ प्यार मोहब्बत होगा तो इंशाल्लाह इस तरह और आगे बढ़ते रहेंगे हम इन लोगों की प्यार मोहब्बत के साथ। अच्छा, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार सबसे पहले तो वो उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उसके प्यार मोहब्बत से बहुत बढ़ के ज़्यादा प्यार मोहब्बत देते हैं। मैं जिधर भी चला जाऊँ मेरे कस्टमर जहाँ होते हैं वो सबसे पहले तो उसका मैं शुक्र गुजार हूँ। मैं जिधर भी जाता हूँ मुझे देखते हैं तो खान साहब करके बुलाता है, सलाम दुआ खाने पीने का हर चीज़ का पूछते हैं, उसका साथ बड़े गुजार कुछ शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़े प्यार मोहब्बत से हमें यहाँ पर इज्जत देते हैं, तो उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि हमने सुना तो हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल बारी खान तरीन साहब, इनका कहना था कि ये जो क्वेटा होटल है इसको बनाने में हमें तकरीबन कोई 22 महीने लगे थे जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, और जो मेरे बड़े भाई थे उन्होंने इसमें मेरे साथ बहुत बड़ा तआवुन किया था, और इनका कहना था कि जो हमारी चाय है वो इसलिए मशहूर है कि मुल्तान में जो दूध है वो इतना अच्छा नहीं मिलता, तो हम स्पेशल खानेवाल से अपनी चाय के लिए दूध मंगवाते हैं जिसकी वजह से हमारी चाय यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी तरह इनका कहना था कि हमारा जो आलू वाला पराठा है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसकी मशहूरी की वजह या उसकी पसंदीदगी की वजह उसका मिसाल है जो कि हम बल्दिया टाउन कराची से स्पेशल बनवा के मंगवाते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं क्वेटा कारी प्याला टी स्टॉल के जो चाय बनाने वाले, तो आइए हम इनसे भी जानते, क्योंकि आपने जैसा कि लोगों से सुना तो इनकी जो चाय है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, हर किसी का कहना है कि चाय चाय चाय, तो हमारे साथ मौजूद है चाय बनाने वाले, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते और जानते हैं कि ये चाय में ऐसा क्या मिक्स करते हैं कि इनकी जो चाय है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्या नाम है खान साहब? मेरा नाम है बाबा तरीन। बाबा तरीन, अच्छा बाबा भाई आप मुझे ये बताएं कि आप चाय में ऐसा क्या मिक्स करते हैं कि लोगों के जुबान से बस ये निकल रहा है कि ये इनकी चाय है वो बहुत ज्यादा अच्छी है? यार चाय में हम जो है ना, एक तो असल बात है मोहब्बत मिक्स करते हैं, ठीक है, यहाँ के लोग से हमारी मोहब्बत होता है, जब तक पके नहीं हम देते नहीं, हमें खुद आदत है, और जितना मैं बोलता अच्छा बने मेरे दिल मुतमिन हो जाए फिर मैं चीज को दे देता हूँ, इसलिए मोहब्बत से देता हूँ बस, इखलाक में कुछ भी नहीं डालते कसम से, मैंने कभी ये काम किया भी नहीं है। अच्छा, ये 7 साल पहले हमारे बर्फ की काम थे कराची में, फिर हम यहाँ होटल खोला था, बस मोहब्बत से साफ दिल से इसे कभी वो नहीं किया बस ये। अच्छा, तो चाय को आप पूरा पकाते हैं उसके बाद आप लोगों को देते हैं? जी जी। लेकिन आप इसमें कोई चीज़ तो डालते होंगे, मतलब जैसे कोई इलायची वो कोई मिसाल है, कोई चीज़ तो होगी ना जो आप डालते हैं जो, या पत्ती कौन सी यूज करते हैं, किस चीज़ की शीरी है कि लोग इस चीज़ को इतना पसंद करते हैं? इलायची पीस करके इसमें डाल देते हैं, ठीक है, इलायची डालते हैं, पत्ती हुई ओरिजिनल होते बस, दूध खालिस होता है, ये नहीं एक मिसाल हुआ है, इस वजह से साफ दिल से देते हैं मोहब्बत से, यार कोई हमसे ज्यादा नहीं हो जाए हमें से करे आई बात। जी नाजरीन, तो हमारे साथ मौजूद है बाबा तरीन जो कि इस क्वेटा कारी टी स्टॉल की चाय बनाते हैं, तो इनका कहना था हम जो है ना चाय में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मिलाते हैं जिसकी वजह से हमारी चाय लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और लोग इस चाय के दीवाने बन चुके हैं। जी नाजरीन, जैसा कि हमने सुना तो हमने यहाँ पर मौजूद शहरियों से गुफ्तगू की, तो उनका कहना था कि ये जो क्वेटा कारी प्याला होटल है इनकी जो चाय है उसका तो एक अलग ही टेस्ट है, उसके साथ साथ इनके आलू वाले पराठे हो गए और इनकी जो दीगर जो इनके लवाजमात है बहुत ही ज़बरदस्त हैं, उनका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो नाजरीन, आप इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नादर पिता को कैमरा मैन सुशान हैदर के साथ।